नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज जो है मैं अभी इनकम टैक्स के पास हूं और आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के सभी कार्यकर्ता आज डोमिसाइल नीति के विरोध में जो है आए हुए हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो बिहार सरकार ने खास करके सातवें चरण बहाली के लेकर बीपीएससी के जरिए जो होने वाली है उसके लेकर के ये कहा है कि डोमिसाइल नीति जो है उसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि बिहार के राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं वही सिर्फ फॉर्म को भर सकेंगे, लेकिन इसके बाद जो है फैसला बदली गई, संशोधन किया गया और अब फैसला ये लिया गया कि बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके बाद बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो है लगातार विरोध कर रहे हैं और आज जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता और छात्र संघ के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और बाकायदा नीतीश कुमार के पुतले को भी जला रहे हैं और इनका सीधे कहना है कि डोमिसाइल नीति को जो है वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे थे कि सातवें चरण की नोटिफिकेशन जो है जारी की जाए, लेकिन इस 2023 वर्ष में जो है सातवें चरण के नोटिफिकेशन तो जारी किए गए, लेकिन उसमें ये कह दिया गया कि सातवें चरण के लिए आपको पहले बीपीएससी का जो है उसका एग्ज़ाम देने होंगे, इसके बाद जो अभ्यर्थी पास होंगे उन्हीं को सातवें चरण में शामिल किया जाएगा और वही शिक्षक बन सकेंगे। अब हालिया बयान आया है चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनका भी कि मैथ्स में, गणित में और इंग्लिश में अच्छे शिक्षकों की काफ़ी कमी है, जिसके वजह से सीट खाली रह जाती है और इसी को देखते हुए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है ये बीपीएससी टीआरई के तहत जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल होने के लिए फॉर्म भरने के लिए अनुमति दी गई है। इसके बाद बिहार के तमाम छात्र शिक्षक संघ या यूँ कहें कि छात्र संघ भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये डोमिसाइल नीति जो लागू की गई है उसे वापस की जाए, क्योंकि इससे पहले DLED और BEd अपियरिंग अभ्यर्थी को तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा था, लेकिन सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट्स को जो है वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा था। इसके बाद जब वो लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनकी प्रदर्शन को भी मानी गई और उसके बाद सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट को भी फॉर्म भरने की अनुमति दी गई, लेकिन फिर से संशोधन किया गया और संशोधन के बाद ये फैसला लिया गया कि अब जो है डोमिसाइल नीति समाप्त की जा रही है और अब दूसरे राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके विरोध में आज देखिए कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज आकर यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला को दहन कर रहे हैं और इनका सीधे तौर पे कहना कि ये डोमिसाइल नीति जो लागू किया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार के अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है जो कि राष्ट्रीय लोक जनता दल जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपको बता दें कि अभी देखिए कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं जो कि नीतीश कुमार के पुतला दहन करने के लिए आए हुए हैं और खास करके बिहार के अभ्यर्थी भी काफ़ी आक्रोशित है और उनका कहना है कि ये डोमिसाइल नीति जो है उसे वापस लिया जाना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।